सस्पेंड हो जाएंगे, अगर हम फाइंडिंग दे देंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। समझदार है ना? सॉरी सर, इनको तो नौकरी से निकाला जाना चाहिए। आपने तैयार की रिपोर्ट और इनने बिना देखे साइन कर दिए, तो इनसे ज्यादा गैर जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं। इनने साइन किए थे तो इनको वेरीफाई करना चाहिए था। आपने वेरीफाई किया था? सिर्फ साइन कर दिया। तो ऐसी विवेचना है कितनी की जिसमें आपने 302 में 376 में साइन भर किए? ऐसी विवेचना मैंने स्वयं अपनी करी साहब, दूसरे की साइन नहीं किए था, अभी नहीं की। तो ये पहला और अंतिम कृत्य था आपका? पहली गलती है साहब, पहली गलती है। तो पहले में ब्लंडर मिस्टेक कर दी, ब्लंडर समझते हैं, भयानक मिस्टेक कर दी आप। आप प्रोबेशन ऑफिसर हैं? जी सर। तो आप थ्रू आउट वर्दी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वर्दी में रहते हैं। वर्दी कब उतारते हैं? रात को सोते समय? नहीं सर, आवश्यकता पड़ती है तो उतार। कब आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों से पूछताछ करते हैं। बच्चों से पूछताछ करते हैं? बच्चों से पूछताछ करते हैं। कब करते हैं पूछताछ? किसी केस में आवश्यकता पड़ती है किसी केस में जब आवश्यकता रहती जब करते हैं। दो लोग हैं एक साथ? एक्चुअली मतलब इसमें ये हुआ था कि रिपोर्ट प्रिपेयर आपने की, लेकिन आपको कोई अर्जेंट वर्क से जाना पड़ा तो सिग्नेचर आपने। इतना भयानक काम रहता आप लोगों के पास क्या कि सिग्नेचर करने के लिए टाइम नहीं रहता? रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की और दस्तखत दूसरा आदमी करे तो उसका क्या औचित्य है? क्या मतलब? या तो फर्जी रिपोर्ट है इसलिए आपने साइन नहीं किए। भाई साइन करना तो एक छोटा सा काम है, एक सेकंड लगता है। साइन आपने क्यों नहीं किए थे? अर्जेंट काम आ गया आपको तो साइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या? नहीं सर, वो तो रिपोर्ट जब फर्जी बनाते हैं तो साइन करने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। अगर रिपोर्ट करेक्ट है, करेक्ट है, तो आपने साइन क्यों नहीं किए? फिर इनने साइन क्यों किए? आपके पास उस फील्ड का अनुभव कम था क्या? आवाज आ रही मेरी? साइन किए या वो लिख नहीं पाते? नहीं नहीं सर, आप लिख नहीं पाते हैं क्या? तो इनकी मदद क्यों लेते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? हम भी ऐसे क्या करेंगे, जजमेंट लिखवा दिया और दस्तखत नहीं करेंगे, चले जाया करेंगे, काम चलेगा क्या? तो आप दोनों खिलाफ एक्शन के लिए लिख दें। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखें। नहीं, आगे के लिए नहीं, आज ही के लिए हमको चाहिए जवाब। आज वो बच्चा बंद है, उसके हमको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए थी। एक तो आप यूनिफॉर्म में आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट आपको मालूम नहीं कि जब आपने एज प्रोबेशन ऑफिसर काम किया तब भी आप वर्दी में थे कि साधारण यूनिफॉर्म में, साधारण ड्रेस में थे? उसके बाद आपने साइन किए, उसके नीचे नाम नहीं लिखा है। सिग्नेचर से हम नाम नहीं निकाल पाते हैं, नाम क्यों नहीं लिखते हैं सिग्नेचर के नीचे? आ जाइए इस वाले माइक में। कब से इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड है? क्या डेजिग्नेशन है आपका? आराम से बोलिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, पर हमको चाहिए कि रिपोर्ट सही आना चाहिए।